गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट 5 एंड पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम मार्केशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में मार्केशिया के बारे में, तो मार्केशिया ने हमने गाय के जनन के अंदर गेमा संरचना के बारे में पढ़ा था। हमने गेमा की संरचना यहाँ पे पढ़ ली थी। अब हम इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। गेमा सबका डेवलपमेंट या परिवर्तन कैसे होता है। आज का जो टॉपिक है वो है गेमा कब का, गेमा कब का परिवर्धन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गेमा कब का परिवर्धन। लिखो इसमें, इस संरचना का परिवर्धन, इस संरचना का परिवर्तन शीर्षस्थ वृद्धि बिंदु के थोड़ा पीछे की ओर, के थोड़ा पीछे की ओर एक अति वृद्धि के रूप में होता है। एक अति वृद्धि के रूप में होता है। इसके चारों ओर कायिक कोशिकाएं, इसके चारों ओर कायिक कोशिकाएं, इसके चारों ओर कायिक कोशिकाएं तेजी से बढ़कर कपनुमा संरचना बना लेती हैं। गेमा प्रारंभिका के समान कार्य करने लगती है। गेमा प्रारंभिका के समान कार्य करने लगती है। इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से, इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से तीन कोशिकाओं की एक पंक्ति बन जाती है। तीन कोशिकाओं की एक पंक्ति बन जाती है। वृंत कोशिका, आधारी कोशिका, तीसरा प्राथमिक काय कोशिका। ठीक है, तो इसमें तीन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, वृंत कोशिका, आधारी कोशिका और प्राथमिक काय कोशिका। ठीक है, तो इसमें पहला लिखिए वृंत कोशिका। अब हम थोड़ा सा वृंत कोशिका के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखे, यह कोशिका आगे विभाजित नहीं होती है। तथा डिग्री
कोष्ठीय होता है? किंतु कुछ समय के पश्चात, किंतु कुछ समय के पश्चात इसके मध्य भाग की कोशिकाएं, इसके मध्य भाग की कोशिकाएं परिणतिक विभाजन करके कोशिकीय भाग बहुकोशिकीय हो जाता है, बहुकोशिकीय हो जाता है और इस क्षेत्र में दो खांच बन जाती है, और इस क्षेत्र में दो खांच बन जाती है। डायग्राम देखेंगे,
कब बताने हैं वो देखेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास बनती है गैमा इनिशियल, ठीक है, क्या बनता है गैमा प्रारंभिका, या फिर हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में गैमा इनिशियल, ठीक है। अब ये गैमा इनिशियल विभाजित होती है, अनुप्रस्थ रूप में विभाजित होती है, प्राइमरी बॉडी सेल, स्टार्क सेल और बेसल सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये होती है प्राइमरी बॉडी सेल, जिसको हमने प्राथमिक काय कोशिका बोला था, ये होता है ग्रंथ कोशिका, एंड देन नीचे वाली होती है आधारी कोशिका, सॉरी स्टार्क सेल, ये होती है हमारी बेसल सेल। तो समझ में आया, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे। अब क्या होता है, जो बेसल सेल होती है वो बार बार विभाजित होती रहती है, कभी परिपतिक रूप से तो कभी अपनतिक रूप से, बार बार डिवाइड होती रहती है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स बना लेती है और ये होता है हमारा स्टार्क सेल। क्या होता है, स्टार्क सेल होता है। फिर आगे चल के ये बार बार डिवीजन करती रहती है और इसके ग्रोइंग पॉइंट पे दो खास बन जाती है, नोच बन जाती है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ से थैलस को ये अलग करने का काम करती है, ये बीच का पार्ट है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सुपर
लालिया डायग्राम। नेक्स्ट आ लीजिए परिपक्व गैमा की संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है परिपक्व गैमा की संरचना। ठीक है, देखिए इसमें पहले फिर हम डायग्राम में देखेंगे। मार्केशिया में परिपक्व गैमा, मार्केशिया में परिपक्व गैमा एक बहुकोशिकीय डिस्क जैसी संरचना, एक बहुकोशिकीय डिस्क जैसी संरचना होती है। गैमा कप एक कोशिका व्रंथ के द्वारा स्थिर रहता है। गैमा कप एक कोशिका व्रंथ के द्वारा स्थिर रहता है। इसके बीच का भाग मोटा, इसके बीच का भाग मोटा और किनारों की ओर पतला होता चला जाता है, और किनारों की ओर पतला होता चला जाता है। इसके दोनों पार्श्व भागों पर, इसके दोनों पार्श्व भागों पर मध्य में दो खांचे उपस्थित होती हैं, मध्य में दो खांचे उपस्थित होती हैं। गैमा की पतली भित्ति युक्त इनमें वर्णक अनुपस्थित होते हैं और कोशिका द्रव्य सघन और रवेदार होता है, और कोशिका द्रव्य सघन और रवेदार होता है। ठीक है, तो ये हो गया परिपक्व गैमा की संरचना के बारे में। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है हमारे पास जो गैमा, तो बहुकोशिकीय हो जाता है और जो बीच वाला भाग होगा उसका वो मोटा रहेगा और किनारों पे धीरे धीरे पतला होता जाता है। ठीक है, गैमा के अंदर हरित लवक भी रहते हैं और इसके श्लेष्मीय पदार्थ प्रदान करने के लिए इसमें स्टील की बूंदें भी पाई जाती है। हरित लवक होने के कारण ही यह हरे रंग का प्रदर्शित होता है। इसमें वर्णक उपस्थित नहीं होते हैं, वर्णक इसके अंदर रेप्रेजेंट होते हैं। अंकुरण के पश्चात इसमें क्या होते हैं, मूलाभास बन जाते हैं। मूलाभास जो होते हैं वो इसको स्थिरता प्रदान करते हैं, आधार से चिपकाए रहने का काम करते हैं। ठीक है, मूलाभास का काम ये होता है। अब हम इसका एक बार गैमा के परिपक्व की हम इसका वर्टिकल सेक्शन मतलब ऊर्ध्व काट को देखेंगे। यहाँ पे जो मैं डायग्राम बनाऊंगी वो गैमा के ऊर्ध्व काट का है। ठीक है,
स्टेमा की संरचना, ठीक है। इस डायग्राम को कंप्लीटली बनाइए। थैंक यू।